नमस्कार, बेबाक बात में आज बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े परेशान हैं। उन्होंने आरएसएस को टारगेट करने के चक्कर में अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे भी राहुल गांधी जब बयान देते हैं तो उनके बयान के जमकर छटकारे लिए जाते हैं, उनके बयानों के कई मतलब भी निकाले जाते हैं। हालांकि कई बार उनके बयान राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक नहीं लगते हैं। राहुल के ताजा बयान से जाहिर होता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने वाले लोग गलत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग हैं, उनकी जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जैसे बागी थे जो भाजपा में शामिल हुए हैं। बागियों पर निशाना साधने के साथ राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी बताया कि उन्हें अब कांग्रेस में कैसे लोग चाहिए। राहुल के ताजा बयान को डर के मनोविज्ञान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आरएसएस को लेकर जो डर राहुल गांधी को सता रहा है, ठीक ऐसा ही डर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी सताता है। राहुल गांधी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिन्हें डर लग रहा है वो पार्टी से जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, कई निडर लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं है, ऐसे लोगों को कांग्रेस में आना चाहिए, और वैसे वो कांग्रेसी जो बीजेपी से डरे हुए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। राहुल गांधी की जुबान में कहें तो बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं, कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे, कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी की बात आपने सुनी। आरएसएस को लेकर ऐसा ही डर पाकिस्तान में भी नजर आता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत पाकिस्तान की दोस्ती में आरएसएस को बाधक बताया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या राहुल गांधी और इमरान खान की सोच एक जैसी है? क्या राहुल गांधी अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं और पाकिस्तान अपनी? राहुल गांधी के पाकिस्तान के सुर में बोलने का मतलब क्या समझा जाए, इसकी समीक्षा होती रहेगी। अक्सर कांग्रेस और पाकिस्तान एक सी जुबान बोलते हैं तो सुबह और शक की गुंजाइश अपने आप बढ़ जाती है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पहली बड़ी बात कही कि कांग्रेस के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। तो क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे चेहरों को कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं? क्या उनके दिमाग में कुछ नए मोर्चाबंदी का आइडिया आ रहा है? दूसरी बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। राहुल का ये मैसेज किसके लिए है? राहुल गांधी अब किसे कांग्रेस से बाहर करना चाहते हैं? कहीं ये वे लोग तो नहीं जो कांग्रेस में आंतरिक चुनाव की मांग कर रहे हैं? तीसरी और अहम बात कि जो आरएसएस के हैं वे चले जाएं, कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में बैठे किसी आरएसएस वाले का नाम नहीं लिया। इसका सीधा सीधा मतलब है ये मैसेज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और उन जैसे कांग्रेसियों के लिए है जो बीजेपी के संपर्क में है और भविष्य में कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी का कहना है, उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी का विरोध तो समझ आता है, लेकिन आरएसएस को लेकर डर के पीछे उनकी अपनी टीस भी है। तमाम कांग्रेसियों ने कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाए, इनकी संख्या एक दो नहीं, पूरी 23 है। अगर ये कांग्रेस छोड़ते हैं तो ये आरएसएस वाले करार दे दिए जाएंगे। कांग्रेस से भाजपा में आए तमाम नेता राहुल गांधी के बयान से भड़के हुए हैं और उन्हें नसीहत दे रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो जब अगर वो नहीं डरते थे तो फिर दो जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत उन्हें क्या पड़ गई थी? पहले अपना गलेवान झांकें, कांग्रेस के अंदर जिनकी जमीन में पकड़ है, जिनका आधार है, जनाधार है, उन व्यक्तियों को दरकिनार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि वो नेतृत्व तो चमकने ना लगे, इसलिए आज देखिए यहाँ श्रीमान सिंधिया जी मान लो
जो आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान में क्या आरोप लग रहा है? पायलट की समस्या का निराकरण अभी तक नहीं कर पाए। पंजाब में क्या आरोप लग रहा है? समस्या का निराकरण नहीं कर पाए। जब नेतृत्व अपने काम को जब नहीं कर पाएगा, और जिनके अंदर जज्बा है जनता की सेवा करने के लिए, उनका उद्देश्य जन सेवा है, तो जन सेवा के लिए जो प्लेटफार्म उपयुक्त था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उस प्लेटफार्म पर उन्होंने जनता की सेवा करने का निर्णय किया। और आज देखिए, जैसे ही नागरिक उड्डयन मंत्री बने, आज ग्वालियर को आहट उड़ाने मिली है। राहुल गांधी के इस बयान में सिर्फ राजनीति है, राहुल की समझ भी आरएसएस को लेकर कमजोर है। इस बयान से जाहिर होता है कि राहुल गांधी भी इमरान खान की तरह आरएसएस से सबसे ज्यादा भयभीत हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के भीतर कौन कौन संघ से जुड़ा है जो भविष्य में राहुल गांधी के निशाने पर आएगा, और भविष्य में राहुल सेना में कौन कौन निडर राजनीतिक हस्तियां शामिल होती हैं। राहुल गांधी के मसले पर आरएसएस के वरिष्ठ नेता से चर्चा की तो उनका कहना था, अब राहुल गांधी के वक्तव्य पर भी क्या जवाब दिया जाए। अभी बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।